अस्सलामु अलैकुम। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस। दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ चैप्टर 8, एनर्जी। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 88, राइट डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ द पेज। लेट्स रीड टुडेज टॉपिक, एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन से मिलने वाली एनर्जी। इन सम प्लेसेस देयर आर हॉट रॉक्स नॉट फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। समटाइम्स देयर आर हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स और बॉइलिंग मड पॉट्स। If water is pumped down to these hot rocks underground, it is heated. Many hot springs in Japan, New Zealand, Iceland, the United States, Mexico, and other countries are used to drive the generators that produce electricity. Sometimes they also provide hot water to heat buildings, swimming pools, or greenhouses. In Iceland, 4/5 of the country's homes are kept warm by this geothermal energy. कुछ जगहों में hot rocks होते हैं जो कि अर्थ की सरफेस ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। कभी कभार वहाँ पे hot springs, geysers और boiling mud pots भी होते हैं। Hot spring कुदरती गर्म पानी के spring होते हैं जो कि actually underground volcanic activity से गर्म होता है। Mud pots भी acidic hot spring की एक किस्म है जिसमें limited water मौजूद होता है। अगर पानी नीचे की जानिब इन हॉट रॉक्स में ज़ेर ज़मीन चला जाए तो गर्म हो जाता है। कई हॉट स्प्रिंग्स जापान में, न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और दूसरी कंट्रीज़ में हैं जो कि जनरेटर्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स ये बिल्डिंग, स्विमिंग पूल्स और ग्रीन हाउसेस को हीट करने के लिए हॉट वाटर प्रोवाइड करते हैं। आइसलैंड में वहाँ की कंट्री के तकरीबन 80% होम्स जो हैं उनको जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू वार्म रखा जाता है। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी वो हीट एनर्जी होती है जो कि ज़मीन के अंदर से आती है। हाउएवर, बिकॉज हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर नॉर्मली फाउंड वेयर वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स अकर, देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर दैट द पाइप्स कैरिंग द हॉट वाटर और स्टीम मे ब्रेक ड्यूरिंग एन इरप्शन और अर्थक्वेक। क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स नॉर्मली उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ वॉल्केनोज इरप्शन होती है और अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा ये ख़तरा रहता है कि वो पाइप्स जो कि हॉट वाटर और स्टीम को कैरी करते हैं वो वॉल्केनोज इरप्शन और अर्थक्वेक के दौरान ब्रेक हो सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस जियोथर्मल पावर स्टेशन इन आइसलैंड यूजेस वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आइसलैंड में ये जियोथर्मल पावर स्टेशन हॉट स्प्रिंग से पानी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोमास। Biomass is plant material and animal waste that can be used as a fuel. Wood is still an important fuel in many parts of the world, and new trees can be planted to replace those which have been cut down. But new biomass fuels are being developed. In Britain, for example, there are power stations that burn mainly chicken manure or straw. Special crops of grasses and quick-growing trees are being grown to burn in some power stations. In Britain, too, there is a small but increasing use of liquid motor fuels made from plant materials such as cereals, oil seeds, sugar beet and fodder beet. In Brazil, sugar cane is fermented to make ethanol, which is used as a fuel for motor vehicles. In several countries, recycled vegetable oils and fats are used instead of diesel oil. It is important to remember though that although biomass is a renewable fuel, it still produces carbon dioxide when it is burnt. बायोमास प्लांट मटेरियल और एनिमल का वेस्ट होता है जो कि फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। वुड अब तक दुनिया के कई हिस्सों में एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। वो दरख्त जो कि काटे जा चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू ट्रीज़ प्लांट किए जा सकते हैं, लेकिन न्यू बायोमास फ्यूल्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में मिसाल के तौर पर पावर स्टेशन हैं जो कि ख़ास तौर पर चिकन मैन्योर और स्ट्रॉ मीन्स मुर्गी की खाद या तिनकों को बर्न करते हैं। ग्रास की स्पेशल क्रॉप्स लाइक ओट, मील, वीट और तेज़ी से ग्रो करने वाले ट्रीज़ ग्रो किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कुछ पावर स्टेशन में बर्न किया जा सके। ब्रिटेन में भी लिक्विड मोटर फ्यूल्स का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। लिक्विड मोटर फ्यूल्स जो कि प्लांट मटीरियल से बनता है, प्लांट मटीरियल्स जैसा कि सीरियल्स, ऑयल सीड्स, शुगर बीट, फोडर बीट। ब्राज़ील में शुगर केन को फर्मेंट करके इथानॉल बनाया जाता है और इथानॉल को एज अ फ्यूल मोटर व्हीकल में यूज़ किया जाता है। कई कंट्रीज़ में रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स को डीजल ऑयल की जगह पे यूज़ किया जाता है।
यहाँ याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि अगरचे बायोमास एक रिन्यूएबल फ्यूल है, लेकिन ये बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वेस्ट मटीरियल्स सच एज चिकन मैन्योर एंड स्ट्रॉ आर बर्न टू प्रोवाइड हीट एनर्जी इन दिस पावर स्टेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस पावर स्टेशन में वेस्ट मटीरियल्स जैसा कि चिकन मैन्योर और स्ट्रॉ को बर्न किया जाता है हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए।